गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम अखिलेश कनुंगो है और मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जावा सर्वलेट की हिंदी सीरीज में हमने प्रीवियस लेक्चर्स में जेनेरिक सर्वलेट के बारे में जाना था। जेनेरिक सर्वलेट क्लास के द्वारा हम हमारी नॉर्मल जावा प्रोग्राम को, जावा क्लास को एक सर्वलेट बना सकते हैं। जेनेरिक सर्वलेट के बारे में मैंने आपको पूरा थ्योरेटिकल रिव्यू मेरे पिछले वीडियो लेक्चर में दिया था। आज के लेक्चर में हम जेनेरिक सर्वलेट क्लास का प्रैक्टिकल वर्जन करने जा रहे हैं, जिसके लिए मेरे पास में है नेटबिन आईडी जो मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखी है। आज के इस लेक्चर में मेरा मैं पुराना जो पिछले लेक्चर्स में मैंने एक प्रोग्राम लिया था, उसी प्रोग्राम को मैं जेनेरिक सर्वलेट के थ्रू बना के आप लोगों को बताने वाला हूं। यदि आपने मेरे पुराने वीडियो लेक्चर्स देखे हैं तो आपको अच्छे से याद होगा ये प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में क्लाइंट साइट पर हमने उपयोगकर्ता का नाम लिया था, जिसे हमने यूजर नेम कहा, और एक बटन हमने इस पे बनाया था। इस बटन पे हमने सबमिट दिया था। क्लाइंट साइट पर जब भी उपयोगकर्ता इस टेक्स्ट बॉक्स में अपना नाम लिखेगा और इस सबमिट बटन पे क्लिक करेगा तो क्लाइंट की रिक्वेस्ट सर्वर साइट पर पहुंचती है। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में मैं बता चुका हूं, हमारे पास एक सर्वर प्रोग्राम है, सर्वर मशीन होती है। जैसे ही आप इस सबमिट बटन पर क्लिक करते हो, ये जो डेटा आपने फॉर्म में लिखा है, ये डेटा क्लाइंट साइट से उठकर सर्वर पर जाता है और सर्वर पर यहां पर होता है वेब कंटेनर। ये सारा मैं आपको समझा चुका हूं, सारा मैं बतला चुका हूं आपको। इस वेब कंटेनर के पास होती है एक एप्लीकेशन, मान लीजिए ये वो एप्लीकेशन है। मान लीजिए इस एप्लीकेशन का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा इस प्रकार से। और इस एप्लीकेशन के अंदर हो सकते हैं कई सारे सर्वलेट प्रोग्राम्स, या सर्वलेट प्रोग्राम्स के साथ साथ यहां पर हो सकते हैं कुछ एचटीएमएल फाइल्स, कुछ इमेजेस, कुछ फोल्डर्स, कुछ वीडियोस, कुछ बाकी सारे कंटेंट। तो जैसे ही यहां से मैंने कोई नाम लिखा और उस नाम को मैं लिखने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करूंगा, ये नाम मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था रिक्वेस्ट के साथ डेटा के रूप में इस वेब कंटेनर के पास आता है। और प्लस इस वेब कंटेनर में उस एप्लीकेशन का नाम, यानी इस रिक्वेस्ट में क्या क्या चीजें होती है, रिक्वेस्ट में डेटा होता है, उस एप्लीकेशन का नाम होता है, और साथ ही साथ उस सर्वलेट का यूआरएल पार्ट भी होता है, यूआरएल एड्रेस भी होता है। ये सारा हम समझ चुके हैं। इस सेम प्रोग्राम को हम आज के लेक्चर में डेवलप करेंगे जेनेरिक सर्वलेट क्लास के साथ। तो मेरी नेटबिन आईडी पर यहां पर मैं एक नया प्रोजेक्ट बना रहा हूं। उसके लिए मुझे जाना होगा मेरी प्रोजेक्ट विंडो में। प्रोजेक्ट विंडो में मैं न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करूंगा,
ये मैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में आपको बता चुका हूं। यहां पे मैं जाऊंगा जावा वेब में, वेब एप्लीकेशन में, यहां से नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। यदि आप इस वीडियो लेक्चर पर सीधे आ गए हैं तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे पिछले वीडियो लेक्चर्स देखें, तब जाके आपको ये वीडियो समझ में आएगा। यहां पर आपको उस एप्लीकेशन का नाम देना है। सो मान लीजिए कि मेरी एप्लीकेशन का नाम है डीजेन, या हम बोल सकते हैं डेमो जेनेरिक, सिंपल। और मैंने आपको बताया था यहां से हमको करना है प्रोजेक्ट फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट इज नॉट एम्प्टी। ओके, डेमो जेनेरिक नाम से हमारे पास ऑलरेडी फोल्डर है, मैंने यहां पर इसके आगे लगा दिया एस, डेमो जेनेरिक एस इज माय प्रोजेक्ट नेम। नाउ यहां से हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सर्वर हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है अपाचे टॉम के, यहां से हम नेक्स्ट करेंगे। फ्रेमवर्क्स की मुझे जरूरत नहीं है तो मैं इसे फिनिश कर दूंगा। और अब मेरा प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है। सो यहां पर मेरा प्रोजेक्ट रेडी हो गया है। इस प्रकार से ये मेरा प्रोजेक्ट आपके सामने आ गया है, डेमो जेनेरिक एस। बाय डिफॉल्ट इंडेक्स डॉट जेएसपी हमको मिला है, वही चार फोल्डर हमें मिले हैं, ये सब इनके बारे में मैं पहले आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। अब मुझे क्या करना है, तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कुछ स्टेप्स बताई थी, उस स्टेप्स को फॉलो करते हुए सबसे मुझे पहले यूआई बनाना पड़ेगा, मतलब मुझे एचटीएमएल बनाना है। सेम एचटीएमएल मेरे पास ऑलरेडी डिजाइन करके रखा हुआ है, जो मैं पुराने प्रीवियस लेक्चर में आपको बना के बता चुका हूं। सो ये डिजाइन करना है, इसके बाद हम बनाएंगे। तो यहां पर मैंने हमारा यूआई तैयार कर दिया है, और इसमें आपको यहां पर मिला है इंटर नेम, वही सेम यूआई हमारे पास बना हुआ है। यहां पर आपको एक सबमिट बटन बनानी है, एक टेक्स्ट, दो इनपुट टेक्स्ट बॉक्स लेने हैं, और एक नाम हमने दिया है। अब हम बनाने जा रहे हैं हमारा सेकंड स्टेप, दैट इज कंट्रोलर पार्ट। तो कंट्रोलर पार्ट बनाने के लिए मैं सोर्स पैकेज फोल्डर पर न्यू क्लिक करके सर्वलेट पर क्लिक करूंगा, और यहां से मैं मेरे सर्वलेट का नाम दूंगा। सो माय सर्वलेट नेम इज माय सर्वलेट। ओके, मेरे सर्वलेट का नाम क्या है, माय सर्वलेट, या माय जेनेरिक सर्वलेट कर लें, माय जेन सर्वलेट। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा ये जो जावा प्रोग्राम बनाओ इसके नाम में सर्वलेट आए, ऐसा कोई नियम नहीं है। अब यहां से नेक्स्ट करें। अब देखिए, एक्चुअल में मैंने आपको जो पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था, मैंने पूरे डिटेल में आपको समझाया था कि स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको ये समझाया था कि पहले हमको यूआई डेवलप करना है, फिर हमको कंट्रोल पार्ट बनाना है यानी सर्वलेट बनाना है, और उसके बाद हमको वेब डॉट एक्सएमएल तैयार करनी है। वेब डॉट एक्सएमएल इज अ डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर फाइल, जिसके अंदर प्रोजेक्ट से रिगार्डिंग सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन होती है। जब क्लाइंट साइड से रिक्वेस्ट सर्वर पर आती है, जब क्लाइंट साइड से रिक्वेस्ट सर्वर पर आती है तो वेब कंटेनर सबसे पहले इस वेब डॉट एक्सएमएल फाइल को ही रीड करता है। सो पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको ये फाइल बना के बताया था, लेकिन इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको यहां पर एक ऑप्शन दे रहा हूं। ऑप्शन यहां पर नेटबिंस की तरफ से मिला हुआ है, एड इंफॉर्मेशन टू डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर। दैट मींस कि अगर मैं यहां पर क्लिक कर देता हूं सर्वलेट बनाते समय, तो इस पर्टिकुलर सर्वलेट की इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली उस वेब डॉट एक्सएमएल में चली जाएगी, मतलब वेब डॉट एक्सएमएल भी बन जाएगी और इंफॉर्मेशन भी चली जाएगी। सो आपको वहां पर जाके वो जो दो टैग थे, है ना, सर्वलेट एंड, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, वो दो टैग लिखने की जरूरत नहीं है। मैं बस थोड़ा सा मेरा यहां पर
मेरा ना URL पैटर्न थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं। यहां पे मैंने URL पैटर्न लिया है MYG, ओके। और यहां से हम यहां पर फिनिश पे क्लिक करेंगे। सो जैसे ही हमने फिनिश पे क्लिक किया, यहां पर हमारे सामने एक नया सर्वलेट बना हुआ आ गया है, एक नया जावा प्रोग्राम बना हुआ आ गया है। लेकिन ये वही है कि इस जावा प्रोग्राम में बाय डिफॉल्ट जो ये बना हुआ आया है वो एचटीटीपी सर्वलेट के साथ है, जबकि हमें प्रोग्राम किसके साथ बनाना है, जेनेरिक सर्वलेट के साथ। सो मैं सबसे पहले तो इस प्रोग्राम में जितने भी फाइल्स या जो भी कोडिंग लिखी है पहले मैं उसको हटा देता हूं 2 मिनट के लिए, और यहां से इस एचटीटीपी सर्वलेट की जगह मैं यहां पर लिख देता हूं जेनेरिक सर्वलेट। ओके, येलो लाइंस ऊपर आ रही हैं, इन पर क्लिक करके मैं सारे के सारे अनयूज्ड इंपोर्ट हटा देता हूं। अब यहां पे कुछ एरर शो कर रहा है मुझे, क्लिक करें, एड इंपोर्ट फॉर जावा एक सर्वलेट डॉट जेनेरिक सर्वलेट। सो मैंने बोला यस, कोई दिक्कत नहीं, कर लीजिए। नाउ माय जेन सर्वलेट क्लास क्या एरर दे रहा है, मतलब मेरी सर्वलेट क्लास क्या एरर दे रहा है कि यदि आप इस क्लास को लगाते हैं, एक्सटेंड करते हैं, तो क्या होगा, तो इंप्लीमेंट ऑल एब्स्ट्रैक्ट मेथड, इस क्लास के अंदर जितनी भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसको आपकी क्लास क्या देगी, इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करेगी। तो मैंने कहा यस, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको, आप देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर जब ये प्रोग्राम बना तो मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में जेनेरिक सर्वलेट की हिराकी समझाई थी, और जेनेरिक सर्वलेट की जो हिराकी है उस हिराकी को देखते हुए हमें वहां पर समझ में आया था कि वहां पर सिर्फ एक मेथड ऐसी है सर्विस मेथड जो एब्स्ट्रैक्ट है, और बाकी की सभी मेथड्स कैसी हैं, बाकी की सभी मेथड्स को जेनेरिक सर्वलेट क्लास ने इंप्लीमेंट किया हुआ है। मैं आपको एक बार फिर से हिराकी समझा देता हूं किस प्रकार से। तो यहां पर हमारे सामने जेनेरिक सर्वलेट क्लास की क्लास हिराकी अवेलेबल है, और इस क्लास हिराकी में आप देखेंगे कि यहां पर हमारे पास अवेलेबल है जावा एक सर्वलेट पैकेज, और इस जावा एक सर्वलेट पैकेज के अंदर दो इंटरफेस अवेलेबल है, एक है सर्वलेट इंटरफेस और दूसरा है सर्वलेट कॉन्फिग इंटरफेस। इन दोनों इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया हुआ है जेनेरिक सर्वलेट क्लास ने। अब सर्वलेट इंटरफेस के बारे में मैं आपको पिछले वीडियो लेक्चर्स में बता चुका हूं कि इसके पास में 5 मेथड्स होती है, बिल्ट इन मेथड्स हैं जिन मेथड्स के साथ से हम हमारी नॉर्मल जावा प्रोग्राम को, जावा क्लास को सर्वलेट बना सकते हैं। इन 5 मेथड्स को जब ये क्लास इंप्लीमेंट करेगी, मतलब जब जेनेरिक सर्वलेट इस सर्वलेट इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगी, तो इस जेनेरिक सर्वलेट ने सर्वलेट इंटरफेस के 5 मेथड, 5 में से कौन कौन सी मेथड है, सो मैं आपको बता चुका हूं, इनिट एक मेथड है, एक मेथड डिस्ट्रॉय मेथड है, एक मेथड है सर्वलेट गेट सर्वलेट इन्फो, एक मेथड है सर्विस मेथड, एक मेथड है गेट सर्वलेट कॉन्फिग। ये 5 जो मेथड्स हैं, इनमें से 4 मेथड्स को एम्प्टी इंप्लीमेंटेशन इस क्लास ने दे दिया, सिर्फ एक मेथड इसके पास एब्स्ट्रैक्ट है और वो है सर्विस मेथड। सो इसी वजह से हमारे कोड में, हमारे प्रोग्राम में जब हमने सर्वलेट बनाया तो उसके अंतर्गत यहां पर जब हमने इंप्लीमेंटेशन का कहा तो सिर्फ सर्विस मेथड को हमारी क्लास ने क्या कर दिया, इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर दिया, क्योंकि बाकी के 4 मेथड्स का ना तो हमको काम है अभी इस एग्जांपल में, तो हमें उसे इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि मान लीजिए यही प्रोग्राम, यही कंट्रोलर पार्ट यदि मैं सर्वलेट इंटरफेस के साथ बनाता, तो मैं यहां पर 5 मेथड्स, सर्वलेट इंटरफेस की 5 मेथड्स को मुझे इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करना होता, भले ही वहां पर मुझे कोई काम हो या ना हो। ओके, सो ये हमारी सर्विस मेथड आ गई है। अब इस सर्विस मेथड के अंदर हमको सीधा लॉजिक लिखना है, नथिंग एल्स। तो हमको क्या करना है, हमको सीधा वहां से सबसे पहले तो आउट का हम बना ले, हमें आउटपुट प्रिंट करने के लिए, ब्राउजर पर आउटपुट प्रिंट करने के लिए हमें एक आउट ऑब्जेक्ट चाहिए, मतलब प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट चाहिए। सो प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया था, रिस्पॉन्स मेरा जो ऑब्जेक्ट है
इसके पास गेट राइटर फंक्शन के थ्रू आएगा। ये गेट राइटर फंक्शन प्रिंट राइटर क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है और ये गेट राइटर फंक्शन अवेलेबल है सर्वलेट रिस्पॉन्स के पास में, इसलिए मैंने उसे इस रिस्पॉन्स, ये यहां पर आपको दिख रहा होगा आरईएस, इस आरईएस रेफरेंस के थ्रू इसको कॉल किया। और जैसे ही मैंने कॉल किया इसने रिटर्न किया मुझे प्रिंट राइटर क्लास का ऑब्जेक्ट। प्रिंट राइटर क्लास बेसिकली java.io पैकेज के अंदर अवेलेबल है, java.io पैकेज के अंदर, और ये क्लास इनपुट आउटपुट से संबंधित है। इस ऑब्जेक्ट के द्वारा यहां पर मैं ब्राउजर पर मेरा जो आउटपुट है वो डिस्प्ले करवा सकता हूं। अब मुझे उस रिक्वेस्ट के साथ जो डेटा आया था वो डेटा मुझे निकालना है, तो वो डेटा मैं निकालूंगा स्ट्रिंग में। सो स्ट्रिंग s1 इक्वल टू, और जो डेटा आया था वो एज अ ऑब्जेक्ट बनाकर पास किया गया रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में, सर्वलेट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में। और इसके पास में एक मेथड है दैट इज गेट पैरामीटर। सो गेट पैरामीटर मुझे वो पैरामीटर, वो वैल्यू, उस रिसोर्स के अंदर जो वैल्यू है वो मुझे प्रोवाइड करेगा। और उसका नाम क्या है वहां पर रिसोर्स का, दैट इज n1। ये हमारे फॉर्म में यहां पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहां पर। जब यहां वेब पेजेस पे हम क्लिक करेंगे, home.html पे क्लिक करेंगे, तो यहां पर आपको मिलेगा कि इस इनपुट टाइप का नाम यहां पर क्या आ रहा है, n1। ओके, तो यहां पर मैंने नाम निकलवा लिया और बस मैं इसे प्रिंट करा दूं। सो out.println आपने को लिखना है, out.println, और यहां पर मैसेज के साथ में प्रिंट कराऊंगा वेलकम यूजर कॉलन प्लस s1, और ये मेरा कोडिंग कंप्लीट हो गया। सो ये मेरा सर्वलेट यहां पर बन गया है। मुझे ज्यादा इस प्रोग्राम में कुछ करना नहीं था, बहुत सिंपल बेसिक प्रोग्राम मैंने यहां पर लिखा है, और ये यहां पर आकर हमारा सर्वलेट तैयार हो गया। अब मैं जा रहा हूं XML के लिए। तो जब आप XML के लिए जाते हैं तो आपने वहां पर सर्वलेट बनाते समय ही XML के बारे में क्लिक कर दिया था, तो यहां पर आपको XML बनाने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रोजेक्ट में आपको XML बनी हुई मिलेगी, जबकि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में जो आपको बताया था वहां पर XML मैंने खुद ने बनाकर देखा था। यदि आपने मेरा, अभी भी मैं फिर से आपको एक बात और बोल रहा हूँ कि यदि आपने मेरा प्रीवियस वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आप पहले वो देख लीजिए, उसके बाद में आपको ये वीडियो थोड़ा सा समझ में आएगा और ये आसान भी लगेगा। अब इन सब बातों के बारे में मैं वहां पर आपको समझा चुका हूं। सो web.xml जो है ये हमारे पास ऑलरेडी बनी हुई यहां पर मिलेगी। जब आप इसको क्लिक करेंगे, आप इसे क्लिक करें और यहां पर आपके सामने web.xml में आप ध्यान से देखें, सर्वलेट के लिए एक सर्वलेट जो आपने बनाया था माय जेनेरिक सर्वलेट के लिए दोनों टैग यहां पर तैयार बने हुए हैं। आप देखें यहां पर दोनों टैग तैयार बने हुए हैं, सर्वलेट और सर्वलेट मैपिंग दोनों बाय डिफॉल्ट बने हुए हमें मिले हैं। ऐसे आप अगर इस एप्लीकेशन में कितने भी सर्वलेट बनाए, उन सभी सर्वलेट के बारे में ये कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिकली आपको मिल जाया करेगा। ओके, तो कम से कम हमारा एक टेंशन यहां पर खत्म हो गई, हमें हर बार नहीं बनाने। लेकिन अगर आपको सीखना है, इनको याद रखना है, तो आप, मैं आपको ये बोलूंगा कि आप एक दो प्रोग्राम, चार प्रोग्राम, पांच प्रोग्राम ये खुद से बनाए। ओके, वो ऑटोमेटिक वाला जो तरीका होता है, जो शॉर्टकट होता है, वो हमेशा थोड़ा सा खराब होता है। आप थोड़ा लॉन्ग वे लें, और लॉन्ग वे से क्या होगा, आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। अब एक प्रॉब्लम है, सिर्फ दो चीजें हमको करनी है। पहली चीज हमको करनी है वेलकम फाइल। तो यहां पर आपको वेलकम फाइल लिस्ट बनानी है। सो वेलकम फाइल लिस्ट पर क्लिक करें इस प्रकार से, और इस वेलकम फाइल के अंदर हमको देना है वेलकम फाइल। सो वेलकम फाइल इज home.html, ये बन गया हमारा web.xml, इसको सेव कर लें। और अब एक छोटा सा हमको काम करना है, हमको जाना है home.html में, और जब मैं बटन पे क्लिक करूंगा सबमिट पर, तो मुझे यहां पर उसका कि मैं क्या कहा, मेरी रिक्वेस्ट किस सर्वलेट के लिए मैं भेज रहा हूं,
तो मैं यहां से डॉट के साथ में यहां पे लिखूंगा एम, और जो वहां पर मेरा वेब डॉट एक्सएमएल में जो दिया हुआ है मेरे को, यहां पर क्या लिया है मैंने, एम वाई जी, एम कैपिटल है, वाई स्मॉल है, एंड जी कैपिटल है. ओके, सो एम वाई एंड जी, इस प्रकार से इसको सेव कर लें. और अब मैं इस प्रोजेक्ट को सिंपली रन कर लेता हूं. तो मैं यहां से इसको रन कर लेता हूं. और देखिए स्टूडेंट्स, ये इस प्रकार से हमारा यहां पर आउटपुट आ गया. यहां पर हम नेम देंगे, ये हमारा क्लाइंट साइड है. और जैसे हम यहां से सबमिट करेंगे, यहां पर हमें मिला है वेलकम यूजर अखिल. यहां से रिक्वेस्ट हमारे सर्वर की सहायता से, यानी जो अपाचे वेब एप्लीकेशन सर्वर हम यूज कर रहे हैं उसकी सहायता से ये रिक्वेस्ट बनकर इस प्रकार से जाती है. और इस प्रकार से ये रिक्वेस्ट जब जाती है तो ये रिक्वेस्ट सर्वर पर पहुंचती है, और सर्वर जो है उस डेटा को अंडरस्टैंड करके, उस रिक्वेस्ट को अंडरस्टैंड करके हमें पर्टिकुलर सर्वलेट को एग्जीक्यूट करता है और हमें डिजायर आउटपुट प्राप्त होता है. तो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का वीडियो लेक्चर था. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. और यदि आपको कोई डाउट है तो मुझे जरूर कमेंट करें. वीडियो को एंड करने के पहले मैं थोड़ा सा आपको इस रिक्वेस्ट के बारे में थोड़ा सा और समझाना चाहता हूं. यहां पर देखिए, रिक्वेस्ट को ध्यान से आप समझने की कोशिश कीजिए. यहां पर रिक्वेस्ट जो है ये किस प्रकार से लिखी हुई है, मैं इसको आपको थोड़ा डिटेल में समझाना चाहता हूं. ये इस प्रकार की रिक्वेस्ट है, आप समझे, ध्यान से आप इस बात को समझे. ये इस प्रकार से बनी हुई है. इस रिक्वेस्ट को देखकर हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये जो रिक्वेस्ट है इसमें, इस प्रकार के रिक्वेस्ट में, मैं इसको थोड़ा सा एक मिनट, ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा रिक्वेस्ट है. यहां पर क्लाइंट साइड से ये जो यूआई हमने बनाया है home.html से, जैसे ही मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूंगा, ये पर्टिकुलर रिक्वेस्ट, देखिए आप ध्यान से, ये पर्टिकुलर रिक्वेस्ट जो है, ये पर्टिकुलर रिक्वेस्ट जा रहा है हमारे सर्वर पर. सर्वर के ऊपर है वेब कंटेनर, और वेब कंटेनर के पास है अलग अलग एप्लीकेशंस. अब मान लीजिए यहां पर कई सारी एप्लीकेशन है, उनमें से एक एप्लीकेशन है माय जेन सर्वलेट. तो देखिए, रिक्वेस्ट को अगर हम ध्यान से समझें तो रिक्वेस्ट के अंदर ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला इतना पोर्शन, ये वाला पोर्शन हमको बतलाता है हमारे लोकल वेब एप्लीकेशन सर्वर के बारे में, एंड दैट इज अपाचे वेब एप्लीकेशन सर्वर, जिस जो काम कर रहा है 8084 नाम के पोर्ट पे, लॉजिकल पोर्ट पे. और यहां पर लोकल होस्ट का मतलब ये हुआ कि ये जो सर्वर है ये हमारे मशीन के अंदर ही है, मतलब लोकली हमारी मशीन में. यानी ये देखा जाए कि हमारी मशीन ही क्लाइंट भी है और हमारी मशीन ही सर्वर भी है. अब चूंकि ये वेब एप्लीकेशन है और इंटरनेट की मदद से चलती है, और बिना सर्वर के ये मदद, ये एप्लीकेशन नहीं चलेगी, तो हम सीखने के लिए तो सर्वर ले नहीं सकते. तो यदि हम सर्वर लेने जाएंगे, या सर्वर के लिए हम 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन भी लेंगे, या जो भी होस्टिंग करवाएंगे हमारी वेब एप्लीकेशन को एज अ वेबसाइट, तो इन ये जो एग्जांपल्स हैं इनकी होस्टिंग अगर हम कराएंगे तो हमको बहुत महंगा पड़ेगा. तो हम ये हमारे एग्जाम्पल डेवलप करके चेक कैसे करेंगे,
तो उसके लिए हमें लोकल होस्ट के रूप में एक सर्वर दिया गया है, और ऐसे अलग अलग प्रकार के सर्वर अवेलेबल होते हैं जो मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर्स में बताया था, जो हमारी मशीन पर ही सर्वर का जैसा काम करते हैं। यानी हमारी मशीन एक ही समय पर क्लाइंट भी बन जाती है और उसी क्लाइंट से हमारी मशीन पर ही उसी सर्वर पर रिक्वेस्ट चली जाती है, इसलिए यहां पर लोकल होस्ट लिखा हुआ आ रहा है। अब मान लीजिए कि हम ये रिक्वेस्ट किसी ऐसे सर्वर पर भेज रहे हैं जो लोकली नहीं है, वो किसी और जगह पर है, तो उसके लिए हम वहां पर URL देते हैं उस वेबसाइट का। जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक, तो फेसबुक यहां पर आएगा लिखा हुआ www.facebook.com इस प्रकार से, ओके। और इसके आगे यहां पर देखिए ये जो सर्वर है, मतलब इसका मतलब हुआ कि वो ये इतने पार्ट से, ये यहां तक के हिस्से से हम सिर्फ सर्वर तक पहुंच पा रहे हैं। कहां तक पहुंच पा रहे हैं? सिर्फ सर्वर तक। और सर्वर के बाद ये जो हिस्सा है ये बता रहा है कि भैया सर्वर पर वेब कंटेनर को ये बता रहा है कि कौन सी एप्लीकेशन को आपको कॉल करना है या कौन सी एप्लीकेशन में आपको जाना है। सो यहां पर वो ये जो है ये आपकी एप्लीकेशन का नाम है, जो प्रोजेक्ट नेम आपने दिया है डेमो जेनेरिक एस। और उसके बाद में डेमो जेनेरिक एस में मान लीजिए कि ये हमारे पास डेमो जेनेरिक एस नाम की एप्लीकेशन है, और इस एप्लीकेशन के अंदर अलग अलग तीन सर्वलेट रखे हुए हैं। मान लीजिए अभी तो मेरे एप्लीकेशन में एक ही सर्वलेट प्रोग्राम है, लेकिन मान लीजिए कि मेरे पास में यहां पर तीन सर्वलेट प्रोग्राम रखे हुए हैं अलग अलग। जैसे पहला सर्वलेट प्रोग्राम है यहां पर माय जेन SER नाम से, दूसरा है BS नाम से, तीसरा है CS नाम से। अब इनको जब मैं रिक्वेस्ट में भेजता हूं, समझना बात को ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में बोल रहा हूं, तो हर बार हम नाम नहीं देंगे। हमने क्या किया है, हर पर्टिकुलर सर्वलेट प्रोग्राम के लिए एक पर्टिकुलर URL हमने यहां पे डिसाइड किया हुआ है, जो कि आप अपने web.xml में देते हैं। क्या लिखते हैं हम web.xml में, सर्वलेट टैग के अंदर सर्वलेट का नाम और सर्वलेट की क्लास का नाम, और URL पैटर्न में आप देते हैं सर्वलेट का नाम और उसके साथ सर्वलेट मैपिंग वाले टैग में, और उसके साथ में आप देते हैं ये URL पैटर्न, ये आप खुद ही देते हैं। तो हमने हमारे पर्टिकुलर सर्वलेट के लिए कि जब ये सबमिट बटन क्लिक हो तो इस रिक्वेस्ट में ये साफ साफ लिख कर आ रहा है कि हमें कौन सा सर्वलेट एग्जीक्यूट करना है। तो यहां पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, इस पर्टिकुलर URL पैटर्न से हमको ये पता चला कि इस BS को नहीं, CS को नहीं, हमको इस MYG वाले सर्वलेट को एग्जीक्यूट करना है। और ये आपने उसको कैसे बताया, ये आपने बताया अपने नेटबिंस में, यहां पर जाके आप देखें ध्यान से, आपने खुद ने बताया कि जब मैं ये बटन क्लिक करूं, ये वाली बटन में क्लिक करूं, तो ये एक्शन के रूप में ये हो जाए। अब यहां पर देखें आप, मैंने आपको एक बार बताई थी कि ये डॉट का मतलब होता है करेंट डायरेक्टरी, करेंट डायरेक्टरी का मतलब होता है ये ही डायरेक्टरी में आपको ये MYG मिल जाएगा, मतलब इस डॉट के आगे, आगे का जो पाथ है, इस डॉट के आगे का पाथ जो है वो है ये वाला, ये आगे का पाथ ये वाला है, ये सेम रहेगा इस पर्टिकुलर फोल्डर के लिए, हर बार सेम रहेगा। और बस यहां पर हम क्या लगाते हैं, यहां पर हम डॉट लिखते हैं, और यहां पर हमने क्या लिखा, हमने यहां पर लिख दिया M, और फिर हमने लिखा Y, और फिर हमने क्या लिखा G, MYG, मतलब हमने यहां पे डॉट लगा दिया, डॉट मतलब ये पूरा पाथ पिछला वाला, और साथ ही साथ MYG। अब MYG के पास में उसके बाद क्या, तो ये हमारा जो पोर्शन है ये कहला रहा है डेटा। मैंने आपको बताया था कि रिक्वेस्ट के साथ क्या जाता है, रिक्वेस्ट के साथ में जाता है डेटा भी, तो ये पोर्शन हमारा क्या कहलाएगा, ये पोर्शन कहलाएगा डेटा, कि हम यहां पर रिक्वेस्ट, इस रिक्वेस्ट के साथ में क्या भेज रहे हैं, हम N1 में हम अखिल भेज रहे हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा रिक्वेस्ट बनता है, ये सब आपको पता नहीं चलता है, ये आपके कहां दिखेगा आपको, ये यहां पर दिखता है URL में वेब ब्राउजर पर। और वेब ब्राउजर में भी अभी क्यों दिख रहा है, बिकॉज बाई डिफॉल्ट जो रिक्वेस्ट मैं सेंड कर रहा हूं वो यहां पर गेट रिक्वेस्ट है, अगर मैं इसको पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू भेजूंगा तो मुझे इतना भी नहीं दिखेगा। अब ये गेट क्या है, रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट क्या है, ये हम आगे चल के हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में देखेंगे फ्रेंड्स। सो आज के लिए इतना ही, हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में
मिलेंगे हमारी नई क्लास के साथ जो है एसटीडीपी सर्वलेट क्लास। तब तक के लिए आप गुड बाय, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो आप इन वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।